नमस्कार साथियों, आज हम सबों के बीच में हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राज्य सभा सांसद डॉक्टर नासी शहजाद हैं, जो आपसे विस्तृत रूप से एक खास बिंदु पे बात करेंगे। उसके बाद फिर आपके प्रश्नों के लिए ठीक उनके बगल में कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, ठीक उनके बगल में उन अफसरों के नेता और बड़े भाई डॉक्टर शकीक खान साहब हैं, हमारे बगल में पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कपिलदेव यादव जी हैं, आनंद माधव जी हैं। तमाम बिंदुओं के पीछे जो पार्टी के हमारे नेता हैं, उनसे आग्रह है कि आप या तो पीछे बैठ जाएं या बाहर बैठ जाएं, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप सबों के बीच में हम दरार नहीं बनना चाहते, हम अपने नेता से आग्रह करते हैं कि अपना संवाद आपसे सीधा करें। हम लोग के नेता पूर्व अध्यक्ष मदमोहन झा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, राजेश रोटर जी, कपिल देव जी और मीडिया के सारे साथियों, आप तमाम लोगों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा आप तमाम लोगों को पता है कि कुछ ही दिन पहले बजट सेशन का पहला पार्ट खत्म हुआ, बहुत सारे मुद्दे उसमें हम लोग उठाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, बहुत सारे मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए गए। उन मुद्दों को हम तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उन मुद्दों पे हमें प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उन सवाल जो हम लोगों ने खड़ा किए थे उस पे हमें जवाब मिलेगा, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब मिला, ना वित्त मंत्री की तरफ से जवाब मिला, ना ही सरकार में किसी भी मंत्री की तरफ से जवाब मिला। तो इसीलिए हम लोग आज का दिन 17 तारीख को हिंदुस्तान के सारे स्टेट कैपिटल्स में कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों के बीच में जो हम लोगों ने सवाल उठाया था, जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे वहां पे, उनको लोगों के बीच में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार पीछे 3-4 सेशन से बेरोजगारी का मुद्दा, बढ़ती हुई कीमतों का, महंगाई का मुद्दा, गरीबी जो लगातार पावर्टी लाइन के नीचे, जो लगातार लोग जो अबो पावर्टी लाइन से बिलो पावर्टी लाइन जो जा रहे हैं, वो वाला वो मुद्दा, जीएसटी जो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया गया था वो मुद्दा, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम, चाइनीज जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो लगातार चाइनीज आर्मी हमारे देश के अंदर जो घुसपैठ कर रही है, हमारी जमीन कब्जा कर रही है, जो वहां पे ब्रिजेस टावर्स ऑफिसर जो सेटअप कर रही है, ये मुद्दे जो सारे हैं, ये तो मुद्दे है ही, ये मुद्दों को जब जब हम उठाने की कोशिश करते हैं, सरकार और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके पार्टी के लोग समाज का बंटवारा करने के लिए स्टेटमेंट्स देना, समाज में कंफ्यूजन फैलाना, ये मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए देश भर में कर्नाटक में कुछ मुद्दा उठा लेंगे, कहीं कोई हलाल का मुद्दा, कहीं कहीं हिजाब का मुद्दा, कहीं कोई मस्जिद मंदिर का मुद्दा, कहीं कुछ कहीं कोई मुद्दा, इस तरह के लोगों के बीच में दरार डालने के मुद्दे उठाएंगे, उस तरीके के स्टेटमेंट्स देते रहेंगे। उसके बावजूद ये तमाम मुद्दों को हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जिंदा रखते हुए और लोगों के बीच में इन मुद्दों को लगातार उठाते हुए, इस बीच में जो हमारे देश के कुछ उद्योगपतियों के जो नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो द्वारा जो उछाला गया, जो एक रिपोर्ट लोगों के बीच में आई,
उसको लेके हम लोगों ने कई सवाल खड़ा करने की कोशिश की। हम पिछले 8 साल 9 साल से लगातार राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स बार बार इस बात को हम लोग उठा रहे थे कि ये सरकार गरीब की सरकार नहीं है, ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, ये सरकार हिंदुस्तान की अवाम की सरकार नहीं, ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार कुछ पूंजीपति दोस्तों को मदद करने वाली सरकार है, इसीलिए हम लोगों ने एक टाइम पे कहा था ये सूट बूट की सरकार है, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करती है, इन रिटर्न उनसे अपने अपने को और अपनी पार्टी को फायदा लेती है उन अमीर लोगों से। ये लगातार जो बजट पे बजट आ रहा था उस बजट में एकदम साफ जाहिर था कि किस तरह से सरकार अपने देश को ले जाना चाह रही, किस तरह से गरीबों को लूट रहे और अमीरों का फायदा किस तरह से करवा रही, किस तरह से अमीर लोगों के और गरीब लोगों के बीच में जो खाई है किस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग बार बार इस बात को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बात को उठा रहे थे। अब जो मुद्दा सामने आया जो हम बार बार हमें पूछ रहे हैं कि भाई अदानी से प्रधानमंत्री के, अदानी से भारतीय जनता पार्टी के, अदानी से एनडीए सरकार के क्या रिश्ते हैं, उनसे अदानी से क्या फायदा इस सरकार को हो रहा है, क्या फायदा प्रधानमंत्री जी को हो रहा है, क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो कैसा एक आदमी को हमारी देश की जो संपत्ति है, हमारी देश के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, हमारी देश के जो असेट्स हैं, वो कैसा एक आदमी को लगातार बेचते जा रहे हैं, लगातार देते जा रहे हैं, तेल, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, कोयला, मतलब आप कोई भी सेक्टर, डिफेंस, कोई भी सेक्टर का आप नाम लीजिए, वो सेक्टर की संपत्ति एक आदमी को लगातार दिया जा रहा है। कोई आदमी अमीर हो रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आदमी कंपटीशन में रह के जो है अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बढ़ावा दी थी, बोले कि कॉर्पोरेट सेक्टर रहने से कुछ एडिशनल जॉब्स भी मिलेंगे और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन भी रहेगा। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों को या कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों को, कुछ उद्योगपति दोस्तों को अपने साथ अपनी जहाज में बिठा के ले जाके उनको ठेका दिलाने का काम, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम, उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था जितना नरेंद्र मोदी जी ने एक आदमी को पूरे हिंदू पूरी दुनिया के कोने कोने में ले जाके अपने साथ जहाज में ठेके दिलाने का जो काम किया है। इसराइल जाते हैं या तो प्रधानमंत्री अदानी को अपने साथ लेके जाते हैं, या नहीं तो प्रधानमंत्री जाके आने के बाद अदानी वहां पे जाते हैं, या नहीं तो प्रधानमंत्री उस किसी देश को जाके आने के बाद एक बहुत बड़ा ठेका अदानी को मिलता है। ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट पब्लिक डोमेन में है, इसमें मुझे नाम लेके बोलने की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ठेका मिलता है, श्रीलंका में ठेका मिलता है, बांग्लादेश में ठेका मिलता है, इसराइल में डिफेंस सेक्टर जो सबसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता है, देश के हमारे सिक्योरिटी का मामला होता है, वो ऐसे सेक्टर में जहां पे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं, इस कंपनी को ठेका दिलाने का काम करते हैं। तो हम ये सवाल जो उठा रहे हैं बार बार, इतनी यारी क्यों, इतनी दोस्ती क्यों, आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है। बहुत सारी ये बात राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अपनी स्पीच में उठाए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा में स्पीच द्वारा उठाए, लेकिन ये सरकार जो सरकार के खिलाफ बोला जाता है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोला जाता है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर देती है, अदानी नाम एक्सपंज हो जाता है। हमको आज तक यह समझ में नहीं आया किसी इंडिविजुअल का नाम कैसा अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। अनपार्लियामेंट्री एक लिस्ट है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के, उसमें अगर झूठ बोला ये अनपार्लियामेंट्री है, सत्य से दूर है ये पार्लियामेंट्री है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हटा रहे हैं एक्सपंज करने समझ में आता है, अदानी वर्ड कैसा अनपार्लियामेंट्री हो गया, कैसा वो हटाने समझ में नहीं आता है। अगर किसी बात का ऑथेंटिकेशन चाहिए, आप ऑथेंटिकेशन की बात कर सकते हैं, आप वन साइडेड किसी भी चीज को एक्सपंज नहीं कर सकते, लेकिन लगातार एक्सपंज करने की कोशिश की। आप एक्सपंज करते रहिए, आप हमें बात करने मत दीजिए, आप हमारे लीडर्स बात करते रहे तो आप वहां पे हल्ला करते रहिए, आप बार बार इंटरप्ट करते रहिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में इस बात को अवाम के बीच में हम लगातार लेके जाते रहेंगे, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी लगातार ये कहते हैं
मैं काला धन बाहर से लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, ये तो उन्होंने बोला था। जब काला धन मैं लेके आऊंगा, ब्लैक मनी हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा, ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मनी खत्म करने की वजह से मैं नोटबंदी किया, 50 तरीके की चीजें हो जाए। भाई ब्लैक मनी अगर खत्म करना आपका इरादा था तो कैसा आप अदानी को, जिसके शेल कंपनीज यानी कि फर्जी कंपनीज, 38 फर्जी कंपनीज करीबियन आइलैंड्स में, मॉरिशियस में 38 फर्जी कंपनीज उनके चल रहे हैं, उनके भाई जो विनोद अदानी है उनका नाम पनामा में आता है, पनामा पेपर्स में आता है, पांडोरो पेपर्स में आता है, बहामा में उनके कंपनीज रहते हैं, उसके बावजूद कैसा उस कंपनी को लगातार ठेका आप देते हैं। जो भी बड़ा फाइनेंशियल स्कैम इस देश में हुआ है उसमें अदानी का या अदानी की कंपनी का या अदानी के भाई का नाम उसमें आता है, उसके बावजूद आप ठेका भी दिलवाते हैं और गरीब आदमी का पैसा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, जो LIC में है, वो पैसा भी उनको दिलाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए जो आप अदानी को दिलवाए किसके पैसे, ठेका भी उन्हीं को, पैसा भी उन्हीं को। पैसा जब उनके शेयर्स के दाम जब लगातार गिर रहे हैं, अभी जो पिछले 15 दिन में उनके शेयर्स के जो दाम गिरे हैं, इससे LIC को 44,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये 44,000 करोड़ रुपए जो 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 नुकसान हो रहा है, ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ जनता का पैसा है, 30 करोड़ लोग उसमें LIC में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब ये 30 करोड़ लोगों का जो नुकसान होगा इसका भरपाया कौन करेगा? आप कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज की प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मौलाना आजाद फेलोशिप के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मनरेगा में लगातार पैसा कम करते आप जा रहे हैं, ना नौकरियां दे रहे, और हम जो एक बड़ा स्कीम लेके आए थे जिसमें नौकरियां देने की बात है उसमें लगातार मनरेगा में पैसा आप कम करते जाते हैं, लेकिन आप पूंजीपति दोस्तों का पैसा वेव ऑफ करने के लिए आपके पास पैसा है। 84,000 करोड़ रुपए अदानी एंड कंपनी को, 12.5 लाख करोड़ रुपए पूरे पूंजीपति दोस्तों को मिला को आपने माफ किया है। ये किसका पैसा है, ये किसका पैसा है? आप जो बात करें JNU के स्टूडेंट्स को पूछते हैं, भाई आप टैक्स पेयर्स मनी में आप पैसा, आप इतने दिन वहां पे क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं कोई हो रहा था पार्लियामेंट में हंगामा, हम कह रहे तो बोलते हैं भाई आप टैक्स पेयर के पैसों में आपको वहां पे प्रोसीडिंग चलाना है, आप हंगामा करके टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये 12.5 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीपति दोस्तों को वेव ऑफ किया है, ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर मनी नहीं है, हमारे देश का पैसा नहीं है, हमारी अवाम का पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है? आप क्यों आपके चुनिंदे पूंजीपति दोस्तों का पैसा आप माफ लगातार कर रहे हैं? और क्या आपका लेन देन है, क्यों आप माफ कर रहे हैं? आपको इसमें कितना किकबैक मिल रहा है, कितना पैसा आपको वापस इसमें आ रहा है? ये शेल कंपनी इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये किसका पैसा गया है बाहर? क्या भारतीय जनता पार्टी का पैसा गया है? क्या अदानी का पैसा गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैसा गया है? पैसा जा रहा और वहां से पैसा वापस आ रहा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं? ईडी जो लगातार अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को उठा के ले जाना, 50-50 घंटे 70-70 घंटे उनको क्वेश्चनिंग करना, समन्स भेजना, नोटिसेस भेजना, आज कहां है ईडी, आज कहां है ईटी, आज कहां है CBI? ठेका दिलवाने के लिए CBI की मदद लेंगे, अपोनेंट्स के ऊपर दबाव बिल्डअप करके कंपनियों को टेंडरिंग प्रोसेस से बाहर करने के लिए आप ईडी का इस्तेमाल करेंगे, जो L1 आता है उसके ऊपर ईडी आईटी का आप दबाव बना के, वो L1 जो आता है उसको कंपटीशन से विड्रॉ करने के लिए दबाव बिल्डअप करेंगे, जहां पे 2 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी एक कंपनी को नहीं देना करके जो रूल है वो रूल आप बेंड करते हैं, अदानी को 6 एयरपोर्ट आप देते हैं, और ये रूल किसका बनाया हुआ है? आप ही की सरकार का बनाया हुआ है। ये रूल क्यों ट्वीक कर रहे हैं आप, क्यों इसको बेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने एक दोस्त को आपको एयरपोर्ट देना है। डिफेंस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें बिना एक्सपीरियंस किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, ये थंब रूल है।
आज से नहीं 1947 से लेके आज तक जो है ये थम रूल हिंदुस्तान में चल रहा है। इसी तरह का रूल जो है जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं दुनिया में सब जगह ये रूल चलता है। आप बिना डिफेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस बिना एक्सपीरियंस के डिफेंस सेक्टर में आप उनको टेंडर लगातार टेंडर देते जा रहे हैं, स्टॉक में शेयर्स में इन्फ्लेट कर देते हैं आप। एसबीआई एसबीआई एलआईसी या दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से जो पैसा उनको देना है आप ड्यू डिलिजेंस कर नहीं सकते। भाई बाहर की कंपनी कह रही है कि इस कंपनी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 38 शेल कंपनीज हैं, फर्जी कंपनीज हैं, लेकिन हमारे देश की ईडी आईटी को पता नहीं कि हम पे शेल कंपनीज ऑपरेट होते हैं। और अदानी का भाई जहां सिंगापुर में जिस घर में रहता है एक चाइनीज नेशनल के घर में उसके साथ में घर शेयर करता है, उसके साथ में रहता है, चिंग विंग लुई उसका नाम ऐसा कुछ है तो रहता है। और वो बंदा कौन है? वो बंदा अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में वो बंदा फंसा हुआ है, उसके साथ ये घर शेयर करता है। तो मैं यहां उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अननोन आदमी जो सोनिया गांधी जी का नाम लिया था अगस्ता वेस्टलैंड में, क्या वही ये चाइनीज आदमी था? तो ये लगातार जो सवाल हम उठा रहे हैं क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके, अपने पूंजीपति दोस्तों को जो फायदा पहुंचाने का हम लेके जो है, इसका सवाल प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वित्त मंत्री के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास, किसी के पास नहीं। कहते क्या है भाई, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हमारे देश के एक कैपिटलिस्ट को जो है बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं इसीलिए फॉरेन कंपनीज हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाई हम ये कह रहे हैं इतना मटेरियल पब्लिक डोमेन में आया है, सीएजी में कहीं किसी ने बोला है, नीति आयोग वाले कहीं कुछ बोले हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स कहीं कुछ बोले हैं, इतना अदानी के खिलाफ, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, ये कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से दिया गया उसके खिलाफ, जो रूल्स बेंड किए गए उसके खिलाफ, इतना स्टेटमेंट्स इतने रिपोर्ट्स में आया है, प्रीमा फैसी केस है, आप क्यों जेपीसी नहीं करते? इसके पहले दो बार जेपीसी हुई है और दोनों बार जो है एकदम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि हम जेपीसी के लिए हम रेडी हैं, वो प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी रेडी हुए थे जेपीसी के लिए, और जेपीसी में जो सबसे ज्यादा संख्या जिस पार्टी की रहती है उस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स उसमें रहते हैं, इतना आपके पास ब्रूटल मेजोरिटी लोकसभा में है, आप ही के मेंबर्स उसमें ज्यादा होंगे, तो फिर आप क्यों जेपीसी से आप भाग रहे हैं? क्या आप देश से छुपाना चाह रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है आप नहीं चाह रहे कि जो है देश के सामने आए? और कौन सी ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री दुनिया जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर जो भी है हर चीज के बारे में बात करते हैं लेकिन अदानी स्कैम के बारे में बात नहीं करते? आज जो जेपीसी की मांग हमारे जो लगातार हम पूछते गए उसके बारे में एक वर्ड किसी ने सरकार तरफ से आज तक नहीं बोला। एलआईसी खुद कह रही है कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, एसबीआई खुद कह रही है कि हमें प्रॉब्लम दिख रही है, गवर्नमेंट खुद जो है कहीं अपने एक दो रिपोर्ट्स में बोलिए कि एलआईसी के और एसबीआई के पैसे पे जो खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी तरह का प्रोब करने के लिए रेडी नहीं। सेबी क्या कर रही है? आज तक सेबी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि वो कैसा रेगुलेशन इसको करेगी, क्यों उसको मॉनिटर नहीं कर रहे थे, कैसा ये शेयर्स में मैनिपुलेशन हुआ है, कैसा शेयर्स को इन्फ्लेट किया गया है, उसमें किसका पैसा लगा है, वो इन्फ्लेट करने में के बारे में सेबी की क्या राय है, इसका कोई जो है पब्लिक डोमेन में ग्रुप की तरफ से नहीं। मोंटेसा ग्रुप जिसको जो है 37,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप स्टॉक का जो मिला गया था वो, उसके बारे में बात भी है। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का भाई इनके कंपनी में काम करता था, उसको जो है 24,300 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया था वो उस टाइम पे, उसके बारे में कोई बात नहीं। ईपीएफओ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स जो सस्पेंड हुए, अदानी ग्रुप को सस्पेंड करिए, उस टाइम पे हम लोगों ने किया, ईपीएफओ के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो सकता है, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं। तो ये लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर जवाब नहीं मिल रही, उल्टा बजट में 14 जून 2022 को अदानी ग्रुप कहती है कि वो $50 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन में वो इन्वेस्ट करेगी। हम लोगों को
जनवरी 2023 इस साल के बजट में निर्मला सीतारामन कहती है कि हम लोग भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अदानी पहले अनाउंसमेंट करेंगे, वो ग्रीन हाइड्रोजन में पैसे लगाएंगे, पीछे जो है देश की सरकार उनको मदद करने के लिए कहती है कि हम 20,000 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन में। ये सांडगांठ क्या है? अब इस बार फिर लगातार बोलेंगे 50 एयरपोर्ट हम नए स्टार्ट करेंगे, हेलीपोर्ट स्टार्ट करेंगे, वाटर एरोड्रम स्टार्ट करेंगे। तो ये किसको देने के लिए स्टार्ट करेंगे? मनरेगा के लिए पैसे नहीं आपके पास, स्कूल के लिए पैसे नहीं, फेलोशिप के लिए पैसे नहीं, स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं। लेकिन ये इतना सब जो स्टार्ट करेंगे जो बोल रहे हैं, इसके लिए फिर अदानी को देने के लिए? ये सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप को दिया गया था, जीवीके ग्रुप को मिलता है, लेकिन अदानी वहां पे वो जीवीके ग्रुप से मुंबई एयरपोर्ट लेना चाहते हैं, जीवीके ग्रुप मानती नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इनकम टैक्स रेट हो जाता है, ईडी रेट हो जाता है, तो जीवीके ग्रुप पीछे हट जाती है, फिर अदानी को मिल जाता है। अब इनको कितने एयरपोर्ट्स दिए गए? देखिए, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, ये अदानी ग्रुप को दिया गया है। हमारे जब यूपीए सरकार थी, मुंबई और दिल्ली एक ही ग्रुप को मिलता है। तो हम ये कहते हैं, यूपीए सरकार ये कहती है भाई दो एयरपोर्ट एक आदमी को देंगे, या तो एक ग्रुप को देंगे तो ना कॉम्पिटिशन रहेगा और एक ही ग्रुप को दिए सरकार होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा थे दो दो अलग ग्रुप को देंगे, L1 और L2 को, दो जीवीके को अलग, जीएमआर को अलग हम देंगे करके हम दिए थे। लेकिन यहाँ पे 6 एयरपोर्ट एक ही ग्रुप को दिया जाता है। डिफेंस का, अब इलेक्ट्रिसिटी में अदानी जी बांग्लादेश को जाके अनाउंस करते हैं कि 1,322 मेगावाट थर्मल पावर इंडिया जो है वहां स्टार्ट करेगी बांग्लादेश में। वापस आके बोलते हैं कि अदानी ग्रुप गोड्डा झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी, गोड्डा झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा के यहां से सप्लाई करेगी। मतलब हर एक ठेका ऑफशोर जो हो रहा है, किसी भी कंट्री में जो ठेका रहेगा या तो उनको दिलाएंगे या ना तो हिंदुस्तान वहां स्टार्ट करेगी, उसको मदद करने के लिए यहाँ पे अदानी जी को ठेका दिया जाएगा। ये बहुत सारे इसमें और बहुत सारे हैं जो मेरा ये प्रेस रिलीज पीसीसी से ये लोग रिलीज करेंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भी अब प्रेस रिलीज करेंगे। सवाल आखिर ये होता है, ये इतना पैसा जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में खर्च करने के लिए मिलता है, ये कहां से पैसा आता है? पीएम केयर्स, हम बार बार ये कह रहे हैं कि पीएम केयर्स में कौन कौन लोग पैसा दे रहे हैं उसका डिस्क्लोज कीजिए, उसका खुलासा कीजिए। क्यों आप पब्लिक नहीं करते? हम जानना चाहते हैं कि पीएम केयर्स में अदानी के कितने पैसे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में अदानी के कितने पैसे हैं। ये जो सरकारें जो गिराते हैं, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कई स्टेट्स में इनकी बिना मेजोरिटी होते हुए सरकारें बनाए, इसमें जो ह्यूज सम्स ऑफ मनी जो लगा है, 50-50 करोड़ एक एक एमएलए को तो दिया गया है कई स्टेट्स में, ये पैसा कहां से आया? क्या ये अदानी का पैसा है? ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से लेके अब तक पूरे स्टेट्स में हमारे पास, आज तक पूरे स्टेट कैपिटल्स में हमारे तक हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है। जो ऑफिसर्स कई जगह हमें मिले हैं, जो पुराने सीनियर कांग्रेस लीडर्स अपना मकान दिए, अपनी जमीन दिए, उसमें हम लोग बना लिए थे। आज हर ब्लॉक में, हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेट स्टाइल की ऑफिस है। इसके लिए पैसा कहां से आया? क्या अदानी का पैसा लगा है इसमें? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये जो बार बार कहते हैं ना, मेरी नीयत साफ है, मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, ये नीयत साफ है। अगर नीयत आपकी साफ होती तो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत पहले कार्रवाई हो जाती। ये सीबीआई, ईडी, आईटी को जो इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, सरकारें गिराने का, लोगों के को नोटिस भेजने का, समन्स भेजने का, उसके बाद में उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का, दबाव बिल्डअप करने का, ये सब जो किए, आज वो ईडी कहां है, आज वो आईटी कहां है, आज वो सीबीआई कहां है? क्यों उनका कोई एक्शन नहीं? क्यों समन्स नहीं जा रहे अदानी ग्रुप को? क्यों नोटिस उनको नहीं जा रहे? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं जा रही? तो मूल मुद्दे हमारे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, जीएसटी का, पेट्रोल डीजल, गैस के दाम, चाइना डिस्प्यूट, ये मूल मुद्दे हमारे हैं। ये मुद्दों के लिए हम खड़ेंगे, हर एक हिंदुस्तानी के साथ खड़े होके उनके साथ में लड़ेंगे
और ये मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जवाबदेही है, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे हिंदुस्तान के कोने कोने पे कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और पार्लियामेंट का जो दूसरा बजट का जो दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरा सेकेंड हाफ सेशन जो होगा मार्च 13 से जो शुरू होगा, उसमें फिर इस मुद्दे को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। हुसैन सर, वन क्वेश्चन। यस। अकॉर्डिंग टू बिलियनर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस, द टर्मोइल इन गल्फिंग गौतम अडानी बिजनेस एम्पायर में ओपन द डोर टू अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल ऑफ द कंट्री। हाउ डू यू सी द एंटायर स्टेटमेंट एंड द टाइमिंग एट व्हिच इट इज गिवन? सी वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द टाइमिंग एट ऑल। पीपल and especially Bharatiya Janata Party and the government may say anything about the timing. What is more important is there not enough material in public domain to take action against a group of companies or an individual person? Shouldn't the government of the day probe the allegations against one of the richest persons in the world? Don't you think the present Prime Minister and his government is deep involved in this entire case, and they are getting kickbacks in this? These are the questions which we need to raise. We have raised these issues. The Prime Minister is answerable. The government is answerable. We need a thorough probe, and our demand is JPC, nothing less than JPC. Any more question? Sir, एक सवाल है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीट की मांग की, 2 मंत्रिमंडल में मांग के लिए 2 सीट। आज सिर्फ ये अदानी वाला इशू। आज सिर्फ अदानी वाला इशू। Thank you so much.